हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है एटम की डेफिनेशन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। कि आप एलिमेंट को डिवाइड करते गए सबसे छोटा जो पार्टिकल उसमें निकल के आएगा वो कौन होगा? एटम होगा। ओके, उसके बाद एटम का साइज़ कैसा होता है? एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इनफैक्ट एटम का साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप, बहुत ही ज़्यादा ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी पावर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटम का जो साइज़ होता है उसे एटॉमिक साइज़ बोला जाता है। और एटॉमिक साइज़ को मेज़र किया जाता है एटॉमिक रेडियस में। मतलब ये कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एटम की शेप होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। और अगर एटम की शेप सर्कुलर होती है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। तो उसी रेडियस को क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। और एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? नैनोमीटर। और नैनोमीटर इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। आपने सुना होगा ना किलोमीटर, फिर किलोमीटर से छोटा कौन होता है? मीटर होता है। फिर मीटर से छोटा कौन होता है? मिलीमीटर। फिर मिलीमीटर से छोटा कौन हो गया? माइक्रोमीटर। और ये माइक्रोमीटर से भी नीचे जा रहा है, ये और छोटा हो गया, कितना हो गया? 1 नैनोमीटर। 10^-9 मीटर के इक्वल ये होता है, इतना छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद आती है हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। जितने भी एटम हमारे पास प्रेजेंट हैं उनमें सबसे छोटा साइज़ वाला जो एटम होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज़ होता है सबसे स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है। ओके, अच्छा, अगला टॉपिक हमारे पास है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। कि एलिमेंट्स के सिंबल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि मैंने हाइड्रोजन को H लिखा था, ऑक्सीजन को O लिखा था, नाइट्रोजन को N लिखा था। तो ये क्या करा कि मैंने एलिमेंट्स को उनको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O। लेकिन एंसेंट हिस्ट्री में अगर थोड़ी जाएँ, बात करते हैं पास्ट में अगर बात करें, तो पहले सिंबल ऐसे H या O नहीं होते थे। पहले एलिमेंट्स के सिंबल कुछ इस तरह से दिखाए जाते थे। ठीक है, कि हाइड्रोजन का सिंबल हो गया कुछ सर्कल के बीच में डॉट हो गया, कार्बन का सिंबल ये डार्क सर्कल हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल ये हमारे पास एक होलो सर्कल हो गया, उसके बाद फॉस्फोरस को कुछ ऐसे मर्सिडीज के साइन से रिप्रेजेंट किया गया, सल्फर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, आयरन का ये आई और उसके ऊपर सर्कल, कॉपर में क्या किया गया? सी और उसके ऊपर सर्कल। लेकिन इन सारे सिंबल्स को याद रखना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो मैंने बस गिनती के 4-5 लिखे हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे ऐसे, ठीक है, जिनके सिंबल्स की रिक्वायरमेंट थी और उनके सिंबल को इस फॉर्म में याद करना बहुत मुश्किल काम था। तो फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि एक तरीका निकाला, एक ट्रिक निकाली, और उन्होंने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है हम उनका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। जो भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है हम उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, और उस लेटर को कैसे लिखेंगे? कैपिटल केस में, ठीक है, अपर केस में। तो हाइड्रोजन को लिखा गया एज कैपिटल H, और ये हमारे पास क्या बन गया? सिंबल हाइड्रोजन का। उसी तरह से कार्बन का सिंबल क्या बन गया? C, कैपिटल C। उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल बन गया O, फॉस्फोरस का सिंबल बन गया P, कैपिटल P, और सल्फर का सिंबल बन गया कैपिटल S। ठीक है, उसी तरह से कुछ और अगर एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो एक एग्जांपल हमारे पास आता है फ्लोरीन का, एक होता है आयोडीन का। ठीक है, कि फ्लोरीन की बात करें, FLUORINE, फ्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल F। ओके, आयोडीन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल I। आयोडीन का सिंबल कैपिटल I। यूरेनियम का होता है U, कैपिटल U, सुना होगा आप लोगों ने, यूरेनियम।
का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल यू। इस तरह से हमारे पास कुछ सिंबल आते हुए चले गए, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि हमने अभी क्या देखा कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल सी। लेकिन अगर मुझे कोबाल्ट का सिंबल चाहिए होता, अगर मुझे क्लोरीन का सिंबल चाहिए, तो मैं क्या रखूँगा? अगर मैंने इनका सिंबल भी कैपिटल सी रख दिया और अब मैंने आपको बोल दिया बताओ ये सी हमारे पास क्या है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये सी हमारे पास कार्बन है, ये सी हमारे पास कोबाल्ट है, या फिर ये सी हमारे पास क्लोरीन है। तो इसके लिए क्या तरीका निकाला गया कि इन केस अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, तो आप उनके नेक्स्ट लेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल केस में, ठीक है। तो क्या किया गया, कोबाल्ट को लिखा गया CO, जहाँ पे C कैसा है कैपिटल, O कैसा है स्मॉल। पहला लेटर ही अपर केस में हो सकता है, दूसरा लेटर किस में आएगा, स्मॉल केस में आएगा। फिर बात आई क्लोरीन की, क्लोरीन को लिखा गया सी एल। उसी तरह से एक जिंक का फॉर्मूला बना, जिंक हमारे पास क्या होता है, Zn। उसके बाद एक सिंबल बना हीलियम का, अब हीलियम में भी क्या आ रहा है, H आ रहा है, और H किसका था, हाइड्रोजन का था, तो हीलियम का सिंबल बनाया गया He, अब बात करते हैं आयरन की, आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe, और जो कॉपर का सिंबल होता है वो क्या होता है, Cu। अब बात सोचने वाली है, और वो क्या है कि सर आयरन में तो आई आर है, IRON, और आपने लिखा है Fe, ये तो दोनों लेटर दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे, दोनों लेटर दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे। उसी तरह से कॉपर की बात करें, सर सी तो समझ में आ रहा है कि कॉपर सी से स्टार्ट हो रहा है, आपने यहाँ पे सी लिख दिया, लेकिन सी यू का मतलब क्या है, यू तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है। आप सी पी ले सकते थे, आप सी ई ले सकते थे, सी आर ले सकते थे, सी ओ ले सकते थे, ठीक है, खैर सी ओ नहीं ले सकते थे क्योंकि सी ओ किसका है, कोबाल्ट का था, लेकिन यू कहाँ से आ गया, ठीक है। तो बात ये हुई कि जो आयरन है इसका जो ओरिजिन था, उस लैंग्वेज में आयरन को बोला जाता था फेरम, और इसी फेरम से क्या बन गया, Fe बन गया, ठीक है। उसी तरह से जो कॉपर था, इसका जो ओरिजिन था, ओरिजिनल वर्ड था वो क्या था, कुप्रम, CUPRUM, ठीक है। तो इसी वर्ड को इसका ओरिजिन वर्ड मान के इसका सिंबल क्या निकाला गया, CU निकाला गया। और ऐसे दो एग्जांपल नहीं है, हमारे पास ढेरों एग्जांपल है। अगर एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल K, लेकिन इसके नाम में कहीं पे भी K नहीं है, तो पोटेशियम का सिंबल K क्यों पड़ा, क्योंकि पोटेशियम का जो ओरिजिनल वर्ड था वो क्या था, कैलियम, CaLiUM, ठीक है, कैलियम। एक और हमारे पास आता है सोडियम, एलिमेंट है सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है, लेकिन सोडियम में Na तो दूर दूर तक कहीं तक नहीं है, तो सोडियम का जो ओरिजिन वर्ड था वो क्या था, नेट्रियम, NaTriUM, नेट्रियम था, ओके। तो इस तरह से सिंबल्स बनते चले गए और साइंटिस्ट को आसानी हो गई इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, कि हाइड्रोजन को पूरा पूरा ना लिख के आपने क्या लिख दिया, सिर्फ H लिख दिया, कार्बन को पूरा पूरा ना लिख के आपने क्या लिखा, सिर्फ C लिखा, उसी तरह से कॉपर को शॉर्ट में आपने क्या लिख दिया, CU लिख दिया, उसी तरह से सोडियम को क्या लिख दिया, Na, पोटेशियम को क्या लिख दिया, K, ठीक है। ये सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी NCERT बुक में टेबल 3.1 इन्हीं सिंबल्स की है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सारे के सारे सिंबल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।